हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, रानी ब्रेक लाइनिंग की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पर कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी ब्रेक लाइनिंग्स, डिस्क पैड्स, क्लच फेसिंग्स, क्लच बटन्स, ब्रेक शूज एंड रेलवे ब्रेक ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इंडिया में ये कंपनी अपनी फील्ड की मार्केट लीडर भी है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 559 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 17.1 की पी है, 14.8% है कंपनी की ROCE एंड 11.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 17.1% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 0.54%। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 2.76% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सेप्टेम्बर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब करोड़ में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 145 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 142 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 126 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.8 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही फ्लैट ही निकल के आ रही है ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ओवरऑल जो ग्रोथ है सितंबर 2022 की क्वार्टर की वो ना के बराबर है, बहुत ही ज्यादा। देखो, कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ तो दिखाई है लेकिन ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट सेम ही फिगर्स निकल के आई है पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ तो दिखाई है ओवरऑल सितंबर 2022 के क्वार्टर में एंड इवन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ तो दिखाई है लेकिन वो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, कोई मतलब इतना आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाला परफॉर्मेंस भी नहीं दिया है कंपनी ने एंड एकदम बेकार लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस भी कंपनी ने नहीं दिया है, कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, लिटरली 0 पैसे का डेट है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 12 करोड़ की कैश फ्लोज थी जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 28 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोस की कंडीशन है कंपनी की वो बेकार निकल के आ रही है, वो वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड DIIs की होल्डिंग अनचेंज है, बाकी FIIs ने बाई किया है, FIIs ने बाइंग किया है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस
पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 25.39% के आसपास से निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पैसा लगा भी रहे हो कंपनी में तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है एंड लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एटलीस्ट आप लोगों को लॉस नहीं करवाएगी। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ थोड़ा सा कम है। कंपनी की ग्रोथ पॉजिटिव में तो है लेकिन थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग जाते हो तो इतना एश्योर्ड है कि ये कंपनी एटलीस्ट आप लोगों को लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं करवाएगी। बाकी अगर शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हो तो ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहां पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी अभी एक असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न बना के ऊपर जा रही है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चौपी है एंड ऐसा चार्ट पैटर्न अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी में दिख जाए तो सिंपली स्विंग ट्रेडर स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स या तो फिर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ चार्ट्स। ऐसा चार्ट वाली कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। तो अभी अगर इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के फ्रेश एंट्री के बारे में डिस्कस करें तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। अगर आप लोग इस रेंज के अंदर भी एंट्री लेना चाहते हो एक्स्ट्रा रिस्क लेके तो आप लोग ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग एक सेफ एंट्री चाहते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पैटर्न या तो फिर ऑफ दिस रेंज, उसके बाद ही इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री प्लानिंग करना। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।